राम राम जी। एक बार फिर सब ने पहुंच गए एक नई पंचायत के साथ में, और पंचायत का मैं के कुछ कार्य हुए है वो भी बताएंगे। उससे पहले इस पंचायत का छोटा सा, इस गांव का छोटा सा इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूं। गांव लगभग 500 साल पुराना है, और जो फिलहाल सरपंच वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और गांव की जो खास बात ये है कि इस गांव का मैं, आपने देखा होगा घर का मैं पहले लगाया करते पत्थर लगाया करते छत पे, जो आज एक लाल पट्टी लगाए हैं उसकी जगह लंबे लंबे पत्थर लगाया करते, और गटर भी आया करते लंबे लंबे, वो यहाँ पे निकलिया करते हैं। हाँ, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ ये गांव है गोड़वा, और गोड़वा यहाँ पे गोपाल नाम का कोई पहले बुजुर्ग आया था, और कोई सोच विचार करके ना उसके हिसाब से उनके ही नाम के ऊपर रख दिया गोड़वा गांव। तो गोड़वा गांव में हम पहुँचे हुए हैं, और जो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ा है, लगभग राजस्थान के बिल्कुल टच में है, और सरपंच साहब हमारे साथ में बैठे हैं। तो सरपंच साहब, तो हम सिर्फ बात करेंगे कि विकास कार्य कितने हुए हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल। थैंक यू साहब। सरपंच साहब, एक चीज़ ये है कि जो पिछली जितनी भी योजनाएं गई हैं उन योजनाओं की तुलना में आपकी योजना में क्या कुछ कार्य हुआ है सर? देखो जी, पिछली योजनाओं के बारे में तो मैं खास कुछ नहीं जानता हूँ, बाकी मैं अपनी योजना के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जब से सरपंच बना, मैं अपनी लगन और मेहनत से मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं सरपंच हूँ। मैं एक चपड़ासी बन के काम किया हूँ गाँव के अंदर। देखो जी, काम भी जब भी हुए हैं, काम भी जो भी हैं, जब ये देख रहे हैं कि भाई मेरे गांव में या मेरे क्षेत्र में या मेरा गांव में घर में या कमी है, तो उस कमी ने खुद पूरा करें, नौकरी का ऑर्डर करें भाई, वो कर ना, तब ना होते काम। मैं जब भी कोई काम करता हूं तो मैं खुद खड़ा होके जहां तक होता है मैं अपना खुद टाइम देता हूं हर काम के अंदर। और जैसे कि मेरे गाँव के अंदर पहले पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, लेकिन ये जो लगन है जो खुद काम करने की, या बाद में बनी है कि पहले तो बन रही थी जी? पहले मैं इस लाइन में नहीं था। अच्छा। पहले मैं दुकान कर रखी थी मैंने, बाकी मेरे दादाजी भी सरपंच रहे हुए हैं और मेरे ताऊ जी भी एक समाज सेवी हैं, मैंने उनसे ये नीति अपनाई। अच्छा अच्छा। मेरे ताऊ जी यो के मकसद बन गया कि मुझे सरपंच बन के गांव को मैं काम करूं? देखो जी, सरपंच लाइन हो जाए ना आपकी, अलग लाइन थी, दुकानदार थे आप, अलग लाइन थी, लेकिन जब मैं सरपंच बन गया तो मेरा तो ये दायित्व भी बनता है। बिल्कुल बनता है। अगर मैं 5 साल मेरे गांव के लिए दे रहा हूं तो उसमें जी मेरा फर्ज बनता है कि मैं जितनी मेरे से बन पाई उतनी तो देखो मैं जो भी समस्या होगी उसका समाधान करूंगा। तो सबसे पहले मैंने पानी के बारे में सोचा था कि हमारे गांव में, वैसे भी दक्षिण हरियाणा का सबसे लास्ट गांव है और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो मैंने क्या काम किया, जैसे ट्यूबवेल वगैरह थी हमारी तो बहुत लिमिट, मतलब एक या दो टंकियों के अंदर कनेक्शन करवाया। अच्छा अच्छा। ताकि इनमें फुल रहेगा तो चारों तरफ के लोग उसी में एडजस्ट हो जाए। मैंने एक बात बता दो, आप जो पानी अपना फुल करवाया, ये गांव के वाटर कुएं तक करवाया था जो पहले बोरवेल, बोरवेल जो पुरानी बोरवेल थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनसे मतलब मैंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो लाइन जैसे हमने बिछाई और उसमें मतलब जगह जगह पर कनेक्शन नहीं किए, डायरेक्ट एक या दो टंकियों में कनेक्शन किया ताकि उनसे सब लोग वहीं पे एडजस्ट हो जाए और वहाँ पे हर वक्त पानी मिल सके। चलो, तो पानी व्यवस्था कर दी के कुछ नहरी पानी तक जुड़ गया है? नहीं जी, हमारा गांव नहरी पानी से नहीं जुड़ा, वो जो है अपना जिसको लहरोदा वाला जो पानी आता है उससे जुड़ रहा है, उससे भी हमने काफी टंकियों में कनेक्शन कर रखा है। जैसे स्कूल है, स्कूल के बाहर है, गांव के बीच में एक बहुत बड़ी टंकी है जो हमारे एक समाज सेवी है राधेश्याम गोयल जी, उन्होंने बनाई है समाज के लिए बनाई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जो सामने दिख भी रही होगी आपको, सबसे बड़ी टंकी यही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हमने काफी सारे दर्शकों ने, मैं दिखाऊंगा टंकी जो सामने बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं सरपंच साहब को दिखा दूंगा मैं, अपने हमारे नजदीक है, बिल्कुल ही दोहरा ही है जी। तो मतलब कहने का मतलब जो पानी की समस्या थी ना वो बीमारी खत्म कर दी? हाँ, बिल्कुल खत्म कर दी जी। और गांव वालों की तरफ से भी मैं सहमत संतुष्ट भी हूँ, लोग मेरे को कहते भी हैं जब से तू सरपंच बना है पानी की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो मैंने तो यही चाहिए जी, 3-4 चीज चाहिए मैंने तो, एक तो पानी की, दूसरे गांव का गंदा पानी हो वो निकल जाए, तीसरा लाइट की व्यवस्था हो जाए, यही चीज चाहिए मैंने। देखो जी, लाइट की भी ये जैसे जो योजना आई थी अपना उज्जवल योजना, इसके हाँ जगमग योजना, इसके हिसाब से हमारे गांव में काफी लाइन मतलब केबल हो गई। हाँ। और हमारा पथरी गांव है, पथरी इलाका है, मतलब उसमें काफी जगह पोल पहाड़ पे, वो तो पहाड़ पे है, वहाँ पे थोड़ा ओपन रहेगी। तो जैसे कि एक बात करें कि इस अलावा कोई और भी काम करे अपने? बिल्कुल बिल्कुल, क्या है जी, हमने मतलब हमारे विधायक साहब बहुत ही आदरणीय हैं, हमने जब भी गांव की समस्या उनके सामने रखी तो उन्होंने हमारे
गांव के बारे में बहुत कुछ सोचा है। हमारे गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर एक बाराकाशी धाम है, तो हमारे गांव वालों ने यज्ञ हो रहा था एक टाइम, तो उसमें गांव वालों ने डिमांड की थी कि विधायक साहब हमारे यहाँ पे रास्ता होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो विधायक साहब ने वो रास्ता पास करवाया और वो बन भी गया। तो और भाई इसमें गांव गलियारे में अगर देखें तो कोई गली कच्ची वच्ची है कि ना है सारी कोई जी? एक मिनट, उसमें ये है जी, जैसे हमारे पास जो भी ग्रांट आई है ना, हम ज्यादातर फोक्स किए हैं बाहर से जो रास्ता जा रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा, अच्छा, जैसे गोड़वा से दुखेरा का रास्ता है, उसमें मैंने आधा रास्ता लिंक रोड हो गया। हाँ, लिंक रोड हो गया दूसरे गांव से, तो उसमें आधा रोड तो कम्प्लीट हो गया। अच्छा अच्छा। और इधर गोड़वा से जो रावता नानी की तरफ जाते हैं वो भी काफी 30-35 साल से पड़ा हुआ था, छोटा टुकड़ा था, वो भी करवाया हमने। बारा के रोड वाला आपने बताया दिया, बारा के धाम वाला जो रोड है, और बाकी गलियों में भी मैंने काफी सारे काम करवाए हैं। हो सकता है छोटी मोटी एक दो गली कोई रह गई हो। चलो जैसा भी है वो तो अगला सरपंच भी करेगा, वो तो ऐसे आके थोड़ी चला जाएगा। अच्छा, इस तरह एक चीज़ और बात कर लें, जैसे गांव में बालक से युवा साथी हैं उनके लिए क्या कुछ करे है, स्टेडियम वगैरह इस तरह की? सर हमने युवाओं के लिए जो बाराकाशी धाम में जो रास्ता बनाया है ना जी, वो रेस के लिए बहुत बढ़िया दौड़, मतलब 2 किलोमीटर का रास्ता है वो युवाओं के लिए, मतलब यूज करने के लायक है, क्योंकि उधर कोई भी ट्रैफिक नहीं जाता है, स्पेशल धाम के लिए, और वहीं पे हमने एक क्या जिम हॉल बनवाया है। अच्छा। और सांसद साहब की तरफ से जिम हॉल का सामान आया हुआ था, वो उसमें हमने शिफ्ट करवा दिया। सारी चीजें मैं आपने धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं कि बनवा दिया, धाम के दर्शन भी आप कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ सरपंच साहब, जैसे कि आपने ये सारी चीजें करी हैं तो कोई काम तो ना रहेगा, वही काम रहेगा मैं दोबारा इसने काशियों काम भी हो जाता, लॉकडाउन ना होता तो हो जाता, या फिर मैं और रहूँ तो हो जाओ? एक हमारे गाँव की फिरनी है, मैंने उसको अभी पैमाइश करवा के क्लियर भी करवा दिया। अभी अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मैं उस काम को कर पाता, पक्का भी हो जाता, अधूरा रह गया। हाँ, मतलब वैसे क्लियर कर दिया, बाकी पक्का नहीं हो पाया। पक्का ना हो पाया तो अधूरा रह गया। एक स्कूल का ग्राउंड है। अच्छा, अच्छा। तो उसका भी ग्रांट आया हुआ है, उसका भी काम मतलब 1-2 दिन में 4 दिन में जैसे ही फुर्सत मिलती है। अच्छा, आपका गांव बिल्कुल पहाड़ पर रह रहा है, पथरीली जगह है, तो मकान बनाने में तो टेंशन ना होती होगी? पत्थर तोड़ने में भाई, पत्थर गाड़ी मंगवाओ दूर दूर से, ऐसा तुमने भाई पहाड़ खोद दिया पत्थर? वो तो देखो लोगों की अपनी अपनी इच्छा है, आजकल मैं तो बनाया हूँ तो ईंटों में बनाया हूँ, इसमें क्या है? नहीं, कहने का मतलब है ना, काफी सारे कहना है जब नींव रखा है ना तो पथरीली नींव रखा है भाई, पत्थर मजबूत हो जाए उसमें तो जी, हम देखो कुछ नहीं बता सकते, वो तो लोगों की पर्सनली वो है, हम हमारे गाँव में तो कोई पत्थर तोड़ता नहीं, पत्थर नहीं तोड़ता नहीं। मतलब ये जो खनन वाला कार्य होया करता, जो पहले गाटर वगैरह या इस तरह के जो पत्थर लंबे लिखड़ा करते, वो पहले होया करता, आजकल वो बंद है? हाँ जी, वो बंद है, काफी सालों से बंद है। ये तो थी जी आपके गांव के विकास कार्यों की बातें। अभी बात कर ले हैं कि आपके जो गांव का सामाजिक लेवल का सिस्टम तक बात कर ले हैं, कि मैं कुछ बुराई है मैं आपसे पूछूंगा उनके बारे में बताना। जैसे कि सबसे पहले बाल विवाह देखने मिलेगा? नहीं जी, अब तो काफी सालों से काफी सुधार है। पहले हमारी समाज में ज्यादा होते थे, लेकिन अब लोग शिक्षित हो गए और सरकार भी जागरूक है जी जी। तो अब कोई भी नाबालिग शादी नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट पर है कि गांव का मैं दहेज प्रथा वाली जो सिस्टम बीमारी जो है, एक तरह से गरीब आदमी ना गरीब कर दे हैं, ये सी कोई बीमारी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, सब अपने हिसाब से करते हैं, उसमें कोई ऐसा। तीसरी जो बात करें हैं कि जैसे कि सामाजिक में समाज में युवा साथी हैं आजकल बहुत सारे, अगर देश की बात करें तो 87% जो कहूँ तब भी मेरे हिसाब से कम ही रहेगा कि युवा साथी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं देश की अगर बात करें, तो गांव में इस तरह का कोई माहौल बना है? नहीं जी, हमारे गांव में बहुत ही सीधे साधे लोग हैं और सब एक दूसरे से मिलके रहते हैं सभी युवा साथी, और ऐसा कुछ नहीं है हमारे गाँव में नशे वाला, और ये ऐसे कोई सब सिंपल लोग हैं, अपना पढ़ते हैं और अपना भाग दौड़ करते हैं, जिसका नसीब है जो ज़्यादा मेहनत करता है वो नौकरी लग जाता है। अच्छा, एक ये बताओगे कि जैसे कि लिंग जो अनुपात चला हुआ था सेक्सुअल रेशियो, इसका क्या अनुपात आपके गांव का? हमारे गांव का जी ये तो सेम ही है, लमसम बराबर ही है। इस तरह के कोई केस वेस सामने आना नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रहे सब। तो ये सामाजिक बुराई मेरे हिसाब से आपके गांव में नहीं, पहचान के है आपके गांव की, अगर भाई इस नाम तय या इस काम तय हमारे गांव में पहचान है, हमारे गांव ने पहचान जाए गुड़ोगा। देखो जी, पहले तो हमारे गांव के अंदर ये जो मकानों की जो गाटर, जिसको पट्टी बोलते हैं गाटर बोलते हैं, ये निकला करती थी पुराने टाइम में, तो इसी अपना लग रहा होगी जी मेरे गांव में ये कमी है और ये मुझे नहीं या मेरे एक परिवार को नहीं, पूरे गांव के अंदर ये परेशानी है, तो आप बता सको जी। सबसे बड़ी परेशानी हमारे गाँव में नेटवर्क की है,
नेटवर्क जो ये मोबाइल वाला नेटवर्क? हाँ, मोबाइल वाला नेटवर्क हमारे गांव में है ना, कोई भी नेटवर्क मतलब आसानी से नहीं पकड़ता, या तो छत के ऊपर चढ़ना पड़ता है या पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सबसे पहले अगर फोन करेंगे तो पहाड़ी पे जाओ, पहाड़ी पे जाओ या ऊंचे मकान के ऊपर चढ़ो, वहीं से थोड़ा बहुत रेंज ले लेगा, उससे थोड़ी बहुत बात हो सकती है। क्या BSNL, वोडाफोन, जियो, एयरटेल कोई भी नेटवर्क नहीं आता? नहीं जी, नीचे कोई नहीं आता है। कोई भी अगर हम जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं। अगर बात करें तो जैसे कि टावर अपने यहाँ तक कितनी दूरी पे है टावर? टावर यहाँ से जी 3 किलोमीटर दूर है, इधर रावतंडानी में भी है, उधर दूंखेरे में भी है, लेकिन हमारे गांव में चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा, इस वजह से नेटवर्क की रेंज नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे कि बात करें हैं कि आपने इस तरह की जो बात है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करी? हाँ जी करी, हमने रिक्वेस्ट कर रखी और प्रस्ताव भी दे रखा है। बाकी जैसे एक बार आए भी थे सर्वे के लिए, जियो वाले थे और अपना वोडाफोन के थे, दो बंदे आए थे, उनको मेरे को उनसे बातचीत भी हुई थी और वो रेंज वगैरह देख के गए थे, बाकी अभी तक तो कोई समाधान हुआ नहीं। ये कितने दिन पुरानी बात होंगी होगी जो आए थे? करीबन हो गई थी 1.5-2 साल, काफ़ी लंबा समय गया। तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हरियाणा सरकार का मैं मेरे हिसाब से कोई ऐसा गांव गली मोहल्ला होगा जिस जगह नेटवर्क ना जा रहा होगा, वोडाफोन जा रहा है, वोडाना तो BSNL जा रहा है, जियो जा रहा है, एयरटेल, कोई ना कोई तो नेटवर्क पहुंच रहा है। लेकिन यह सच्चाई है कि इस गांव में मैं बैठा हूं, मेरा भी पिछले 1.5-2 घंटे तक नेटवर्क ना आ रहा है मोबाइल का, मैं कई फ़ोन आ लिए होंगे पता भी ना चल रहा, तो नेटवर्क की तो भारी तो समस्या है इस गाँव का, मैं सच्चाई से। अगर आप बात करें तो मैं सरपंच साहब का एक बार मोबाइल चाहूँगा, एक बार निकालिए भाई साहब आपका मोबाइल, अगर किसी ने सको तो हमें एक भी डंडी दिखा दो, एक भी डंडी नहीं है मोबाइल का मैं तो। कहने का मतलब यह है प्रशासन इसकी तरफ जरूर ध्यान दें और जो रिक्वेस्ट डाली गई है तो जरूर पूछे, कल ना कोई हादसा उरा हो जाए, किसी भी तरह का हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए, जंगल की जगह है, कोई भी जानवर आ जाए, कुछ भी चित्ता वगैरह कुछ भी आ जाओ, तो यहाँ पर किस तरह फ़ोन करें, पहाड़ी पर चढ़ें तो पहले डर लग गए, तो उससे अच्छा है कि इसके ऊपर नेटवर्क की सुविधा बना दी जाए। और नेटवर्क की सुविधा बना दी जाएगी तो सरपंच साहब गाँव में कैसा माहौल हो जाएगा? एकदम बढ़िया हो जाएगा जी, और कोई भी नेटवर्क आओगा उसकी आमदनी भी बढ़ेगी, सीधी बात तो यह है जी। वो तो हमारा गांव तो आमदनी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा जी। नहीं, मैं आपके गांव की आमदनी नहीं, मैं नेटवर्क की कह रहा हूँ, नेटवर्क कोई भी आएगा उसकी आमदनी बढ़ेगी, नेचुरली सी बात, वो तो कंपनी की सीधी सी बात है ना। तो इसकी तरफ जरूर और विशेष कर ध्यान दिया जाओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई बात हो तो अंकल जी? नाम से प्रसिद्ध था और हमारे गांव में पहलवान भी बहुत होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि कोई पहलवान, जैसे कि जिसकी कोई बढ़िया व्याख्या हो तो थोड़ा एक बार दर्शकों बताओगे? देखो बढ़िया तो क्या था, पहले लोकल जो भी गांव के अंदर टूर्नामेंट होते थे या खेल होती थी उनमें जाते थे गाँव के लोग। बाकी चलो मेरे दो पॉइंट और है सरपंच साहब, जो आज के जो दिन के जुड़े हुए हैं, दिन के मतलब आज जो ये चले हुए हैं, सबसे पहले है मुद्दा किसान आंदोलन का जो चल रहा है, तो इसके बारे में आपने के विचार हैं कि किसान आंदोलन जो ये किसान लोग कर रहे हैं ये सही है या फिर ये एक राजनीति स्टैंड बनाया हुआ है और जो कानून बनाए हैं वो सही है? देखो ये जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है उसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस वाले हैं इसको राजनीतिक स्टैंड बना रखे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो हमारी जो सरकार है BJP सरकार है ये बहुत ही मतलब समझी हुई सरकार है, ये प्रेजेंट टाइम में सरकार होते हुए मेरे हिसाब से मतलब सर अपने किसानों के लिए गलत नहीं कर सकती। इन्होंने जो कानून बनाया है वो ठीक बनाया है, पिछले 5 साल निकाले अभी लोगों के समझ में नहीं आ रहा, कुछ समय बाद में इसका जो फायदा होगा तब समझ में आ जाएगा। चलो ये आपके पॉइंट था। दूसरा मेरा जी अभी जो पॉइंट है कि आजकल एक महेंद्रगढ़ जिला को लेकर के ना कुछ लोगों के अंदर कुछ अलग अलग विचार चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि भाई जिला नारनौल बना दिया गया है, कागजों में बना दिया गया है, कोई कह रहे हैं कि मुख्यालय हमें महेंद्रगढ़ में रखना है, महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, नारनौल के कुछ लोग कह रहे हैं कि जिला महेंद्रगढ़, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, नारनौल अगर जो भी कार्यालय बने हुए हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। महेंद्रगढ़ के जो वासी हैं उस साइड के सतनाली महेंद्रगढ़ कनीना के लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई महेंद्रगढ़ के अंदर मुख्यालय हो या जिला महेंद्रगढ़ अलग बना दिया जाए, तो आपके क्या विचार? देखो जी मेरा इसके बारे में कोई विचार नहीं, जो उन लोगों के जो विचार हैं, देखो हर चीज आदमी के कहने से नहीं होती है, इसमें हमारा कोई विचार नहीं है। तो अभी मैं आपसे बात करवा रहा था
जो गोड़वा के जो सरपंच हैं हमारे साथ में जुड़े हुए थे, राजपाल जी इतना बात कर रहे थे, इन्होंने अपने विचार रखे हैं, इन्होंने राजनीति के बारे में बताया, गांव के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया और जो मुद्दे थे उनके बारे में बताया। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू। और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।